हमने देखा है कि रिटर्न्स ई कॉमर्स के साथ हमेशा एसोसिएटेड रहा है, बट अब जैसे कि टेक्नोलॉजी और बहुत इवॉल्व हो गई है और बहुत एक्सेसिबल हो गई है, तो रिटर्न्स कंसिस्टेंटली कम आ रहे हैं। पिछले साल रिटर्न्स हमने देखा था कि 21% थे, गुजरात का अगर हम डेटा देखें, वही रिटर्न्स आज की डेट में 18% तक कम हो गए हैं। तो एक कंसिस्टेंट डिक्लाइन हमें दिख रहा है रिटर्न्स में, गुजरात के ऑर्डर्स का एनालिसिस करने के बाद। नमस्कार दर्शक मित्रों, ई कॉमर्स ई सोल्यूशननी सेल्स ऑफिस आजे सूरत में खुली है अने आ कंपनीना एमडी अने सीईओ कपिल मखीजा आजे सूरत में है, तो अमे एमनी साथे ई कॉमर्स रिलेटेड घनी बधी वातो करवा मांगीए छे। एमनी साथे वातो करता पहला एमनी थोड़ी ओळखाण आपी दीए कि कपिल मखीजा आईआईटी दिल्ली थी कम्प्यूटर साइंस अने एंजीनियरिंग में बेचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एमने करेलू है અને આઈઆઈએમ બેંગ્લોરથી મેનેજમેન્ટમાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિપ્લોમા કર્યું છે। તો આપણે એમની સાથે ઈ કોમર્સ અને ગુજરાત બે વસ્તુ પર વાત કરીશું। મિસ્ટર મખીજાજી, હમકો યે જાનના હૈ કે ગુજરાત મેં ઈ કોમર્સ કા બિઝનેસ કિતના હૈ ઓર ઉસમેં સુરત કહાં હૈ? गुजरात एक बहुत प्रॉमिसिंग स्टेट है, जहां हमने देखा है कि ई कॉमर्स की ग्रोथ कंसिस्टेंटली ग्रोथ हमने देखी है। सूरत टॉप सिटी में आता है ई कॉमर्स ग्रोथ पे, और हमने देखा है कि 24% का तकरीबन हमने ग्रोथ देखी है ओवरऑल ऑर्डर्स में गुजरात में, और उसमें सूरत टॉप सिटी की तरह निकल के आता है। सूरत के बाद कौन से और सिटीज़ हैं जहां ई कॉमर्स का बिजनेस ज़्यादा है? हमने अपने जो रिपोर्ट हमने पब्लिश करी उसमें देखा है कि सूरत के अलावा गांधीनगर, वडोदरा जैसी सिटीज़ भी हैं जहाँ पे हमने ई कॉमर्स की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी है गुजरात में। मिश्र मखीजा, आपने कुछ अलग ऐसा एनालिसिस किया है कि जैसे सौराष्ट्र के लोग क्या खरीदते हैं, दक्षिण गुजरात के लोग क्या खरीदते हैं, उत्तर गुजरात के लोग, क्योंकि यहाँ मिक्स वस्ती रहती है, तो पर्टिकुलरली गुजरात के जो लोग गुजरातीज़ है वो क्या ई कॉमर्स में ज़्यादा खरीदी करते हैं, ऐसा कुछ डेटा है आपके पास? बिल्कुल, हमने अभी देखा है कि कुछ कैटेगरीज जो हैं, वैसे तो हमने सारी कैटेगरीज के अराउंड ग्रोथ देखी है, पर कुछ कैटेगरीज में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी है, जैसे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, फैशन, होम डेकोर, इन कैटेगरीज में हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी है गुजरात के ट्रेंड से जब हमने एनालाइज करें। मिश्र मखीजा, जब लोग ई कॉमर्स पे खरीदी करते हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम रिटर्न का भी आता है, तो उसमें रिटर्न का रेशियो कितना होता है? हमने देखा है कि रिटर्न्स ई कॉमर्स के साथ हमेशा एसोसिएटेड रहा है, बट अब जैसे कि टेक्नोलॉजी और बहुत इवॉल्व हो गई है और बहुत एक्सेसिबल हो गई है, तो रिटर्न्स कंसिस्टेंटली कम आ रहे हैं। पिछले साल रिटर्न्स हमने देखा था कि 21% थे गुजरात का अगर हम डेटा देखें, वही रिटर्न्स आज की डेट में 18% तक कम हो गए हैं। तो एक कंसिस्टेंट डिक्लाइन हमें दिख रहा है रिटर्न्स में, गुजरात के ऑर्डर्स का एनालिसिस करने के बाद। ऐसा ज़्यादातर दिखता है कि जो यंग पीपल होते हैं और फीमेल होती है, वो ज़्यादा ई कॉमर्स पे बाइंग करते हैं। तो आपको क्या लगता है फ्यूचर में उनका खरीदी का ट्रेंड कैसा रहेगा, क्या उसमें कोई फ़र्क आएगा? देखिए, ई कॉमर्स का फ्यूचर प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, जैसे ई कॉमर्स बहुत ही डायनेमिक इंडस्ट्री है। 3-4 साल पहले तक कोई डायरेक्ट कस्टमर या ओमनी चैनल नहीं करता था, पर अब वो मेन स्ट्रीम बन गया है। पिछले साल तक कोई कॉमर्स के बारे में लोग बात नहीं करते थे, लोग कहते थे पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, पर अब कोई कॉमर्स बहुत सेलियंट कंट्रीब्यूटर बन चुका है बहुत सारी कैटेगरीज़ का। तो इस तरह से फ्यूचर प्रेडिक्ट करना इस डायनेमिक इंडस्ट्री का बड़ा मुश्किल है, पर ये ज़रूर हमने देखा है कि हाल फिलहाल में अगर हम जैसे हमने ट्रेंड्स एनालाइज करें तो फैशन, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, होम डेकोर, ये कैटेगरीज ऐसी हैं जहाँ पे हमने बहुत ऑनलाइन शॉपिंग की ग्रोथ देखी है। तो आगे भी ये कैटेगरी शायद बढ़े, और हमने पैन इंडिया लेवल पे देखा है कुछ नई नई कैटेगरीज आई हैं, जैसे पेट केयर आई है, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस आई है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आई है, तो हो सकता है आगे जाके इन कैटेगरीज पे रुझान दिखे गुजरात के डेटा पे। बट आज की डेट में अगर हम देखें तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, फैशन और होम डेकोर, ये कैटेगरीज हैं जहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी है। मिस्टर मखीजा, मैं लास्ट क्वेश्चन आपको पूछूंगा कि स्टार्टअप में अभी बहुत सारे यंगस्टर इंटरेस्ट ले रहे, तो क्या आप स्टार्टअप जो ये कैरियर में जाने वाले हैं तो उनको आप क्या मैसेज देंगे, आपको क्या उनको सलाह देंगे स्टार्टअप के बारे में? इंडिया बहुत ग्रोथ दिखाया है और आगे ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल है। जैसे अगर आप ई कॉमर्स में ही देखेंगे, ई कॉमर्स आज की डेट में इंडिया में 4 से 4.5 बिलियन शिपमेंट्स लास्ट ईयर प्रोसेस हुई हैं। अगर आप यही नंबर चाइना से कंपेयर करें तो 130 बिलियन प्लस शिपमेंट्स प्रोसेस हुई हैं। ई कॉमर्स में ही इतना ग्रोथ है, इसीलिए हम बहुत सारी स्टार्टअप्स देख रहे हैं जो बहुत डिफरेंट गैप्स को आइडेंटिफाई करके उनको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा मैसेज सबके लिए यही है
कि बहुत इंटरेस्टिंग स्पेसेस अभी है, इनको पिक कीजिए, बट अपना जब भी बिजनेस बनाए तो बहुत सस्टेनेबल तरीके से बनाए, अपनी यूनिट इकोनॉमिक्स पे हमेशा फोकस करें, कस्टमर का जो प्यार है वो देखें कि आपका कस्टमर आपके पास बार बार आ रहा है और आपके प्रोडक्ट्स को लाइक करता है, आर्टिफिशियल डिमांड की तरफ फोकस ना करें, रियल डिमांड की तरफ फोकस करें, इंडिया में डिमांड बहुत है, डेप्थ बहुत है और बहुत कुछ है, अगले 10-20 साल इंडिया के लिए हैं, तो बिल्ड कीजिए इंडिया के लिए और बिजनेसेस को ग्रो करिए ताकि इंडिया की और ग्रोथ में बढ़ोतरी हो। तो ये थे मिस्टर कपिल मखीजा, यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस के MD एंड CEO, और ये कंपनी है ई कॉमर्स के लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। मिस्टर मखीजा, थैंक यू वेरी मच खबरचे.com पे बात करने को। थैंक यू।